डराया धमकाया, तशद्दुद का निशाना बनवाया, बोल झुका और ना एंकर ने सर झुकाया, पूरी दुनिया को सच दिखाया। हक और सच के रास्ते से हटाने के लिए हर तरह का हरबा आजमाया गया, जबर धोंस धमकी से भी हौसला आजमाया गया। दिलेर सहाफी समी इब्राहिम वाहिद एंकर पर्सन है जो FIR कटने के बावजूद पाकिस्तान वापस आए और हक के लिए आवाज उठाई। बोल न्यूज पर भी दबाव आया, लेकिन तमाम तर हथकंडों के बावजूद भी प्रोग्राम जारी रखा गया। हर लम्हे हर पल समी इब्राहिम के साथ खड़ा रहा। खुफिया हाथ समी इब्राहिम का प्रोग्राम रोकना चाहते थे। उनके रिश्तेदारों ने समी इब्राहिम पर हमला भी कराया, लेकिन समी इब्राहिम और बोल न्यूज हक के साथ खड़े रहे। जब बोल पर समी इब्राहिम और जमील फारूकी को निकालने के लिए दबाव डाला गया, तो बोल ने हकीकी सहाफत की तर्जुमानी करने पर किसी किस्म का समझौता करने से गुरेज किया। बोल ने आगे बढ़कर प्रेस रिलीज में वाजे मौकिफ पेश किया कि बोल अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं निकालेगा, किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा, अपना कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। बोल ने हमेशा हक को सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है। उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की, इजहारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।